Hey guys, welcome back to the channel and good morning. अभी सुबह का टाइम है, सुबह से उठते ही बाहर दिख गया, बर्फ़ हो रही इतनी मोटी मोटी. लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि मुझे बर्फ़ को देख के बहुत दुख हुआ. बाकी हर टाइम तो ऐसा खुशी और एक्साइटमेंट होता था जब भी बर्फ़ पड़ती थी, बट इस बार बहुत दुख हुआ यार बर्फ़ देख कर. इस टाइम अप्रैल में जहाँ पर अभी ब्लॉसम का मौसम था, चारों तरफ फूल थे सेब के, और ऐसे में बर्फ़ तो सेब बर्बाद. क्लाइमेट कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है. विंटर्स में इस बार विंटर्स जैसा नहीं था, मतलब गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी बर्फ बाकी के सर्दियों के मुकाबले, और इस बार जहाँ गर्मियाँ शुरू होनी चाहिए वहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो रही है. आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम सुधरने वाले नहीं हैं. पूरे किन्नौर में इस वक्त लगभग ऑलमोस्ट निचार एरिया का मुझे नहीं पता, अभी नीचे का थोड़ा लो हाइट में है वो, तो वहाँ की अब तक शायद बारिश हो रही हो. बाकी ऑलमोस्ट यहाँ से ऊपर अपर किन्नौर, मिडल किन्नौर, सब जगह काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हुई है. वहाँ पर तो 1 फुट 1.5 फुट 2 फुट कहीं कहीं, बट यहाँ पर अभी ऐसे 5-6 इंच बर्फ़ हुई है. और अगर इसी तरह शाम तक लगता रहा तो यहाँ भी 1 फुट 1.5 फुट तो हो ही जाएगा. और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है. इस बार फसल, इस बार सेब बर्बाद. सुधर जाइए. क्लाइमेट चेंज के कारण अप्रैल के महीने में दिसंबर की सर्दी की जैसी बर्फ पड़ रही है. क्लाइमेट चेंज के कारण हर साल हमको प्रकृति का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है. और अगर इसी तरह क्लाइमेट चेंज होता रहा तो फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा खतरनाक और नुकसान पहुंचाने वाले चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा. ये क्लाइमेट चेंज हमें तो अफेक्ट करेगा ही, पर हमारे साथ जो हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षी हैं उन्हें भी अफेक्ट करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज सुबह ही मैं देख रहा था कुछ पक्षी अपना दाना, अपना खाना ढूंढने में काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे थे. शाबाजे. तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेब के 2 पेड़ गिर गए बिजली की तार के ऊपर, जिससे गांव में बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है. तो यहाँ गांव के जवान लोग खुद से कुछ कर रहे हैं. और बाकी ये सब काम तो होते रहेगा. मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना. बाय बाय, टाटा, सी यू.